क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ओह हाँ, वही है। ओके ओके ओके, सुनो सुनो, जब कोई अजनबी तुम्हें ड्रग ऑफर करता है तुम्हें उससे धन्यवाद कहना चाहिए। पता है क्यों? क्या कह रहे हो? क्योंकि ड्रग्स बहुत महंगी आती है। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा। तुम यहाँ दोबारा से आ गई, देखो फिर से वो सब शुरू मत कर देना जेट प्लीज। बस बहुत हुआ टॉबी। तुम बहुत ही बेहुदा हो। मैं बेहुदा हूँ? और ये सब जो हो रहा है वो क्या है? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। इन लड़कियों के साथ खड़े होकर ऐसे फ्लर्ट करते हो जैसे कोई ट्रॉफी के साथ खड़ा हो। तुम घटिया आदमी हो। मैं घटिया हूँ? दो दिनों से तुम नशे में धुत हो। मैंने तुम्हें उस लड़की को किस करते हुए भी देखा। जानना चाहते हो तुम्हारे दोस्त मार्क ने क्या कहा? हाँ बिल्कुल, बताओ मुझे क्या बोला उसने, बोलो ना। उसने कहा वो मुझे पूरी जिंदगी का मजा एक साथ दे सकता है, पूरी जिंदगी। वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। क्या तुम दोबारा से वो सब शुरू करने जा रही हो? मेरी बात मानो, तुम्हारे पास अभी भी काफी वक्त है। समझ में आया? मेरा बचपन काफी अच्छे से बीता है, सब कुछ बढ़िया था, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि मुझे हर वक्त तुमसे माफी क्यों मांगनी पड़ती है, और तुम कैसे इतनी आसानी से किसी दूसरे पर इल्जाम लगा सकती हो। ये सब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हैं और तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हो गया हूं। अब बंद भी करो ये सब। एक बात और, मार्क ने कभी तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने किसी को किस किया। तुम्हें बस ये जानना होता है कि मैं कहां पर हूं, किसके साथ हूं, उससे क्या बात कर रहा हूं। पता है ऐसे लोगों को जेलस साइको बोलते हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो ताकि कुछ हफ्तों के लिए मैं कहीं और रुक सकूं? सीरियसली तुम ऐसा करोगी? ये तुम्हारा प्लान है कि तुम मुझे परेशान करती रहो और मैं तुम्हारे होटल्स का बिल चुकाता रहूं? मैं घर जाते ही पैसे चुका दूंगी। कहां से चुकाओगी तुम? तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, तुमने रेंट भी नहीं पे किया है। और भी कुछ कहना चाहते हो मुझसे? क्या इतने पैसे दे सकते हो ताकि मैं कैब बुक करके यहाँ से जा सकूं? नहीं बिल्कुल नहीं। देखो अब मुझसे वो सब दोबारा नहीं हो पाएगा। जेड, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। पासो, क्या वो सांस ले रहा है? हाँ हाँ, उसकी सांसें चल रही है। आखिर उसके साथ हुआ क्या है? तो ये आदमी सोचता है क्योंकि इसने अपने चेहरे पर प्लास्टर किया हुआ है करीब 20 मिलियन बच्चों के दीवार पर, वो हम सबका काम खराब कर सकता है और हमारे क्लाइंट्स को बाहर में जाने को कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक चुका है और नशे में धुत के कारण फोटोशूट नहीं कर पा रहा है। तो मैंने उसे कॉल किया और मैंने उसे फोन पे कहा कि सुनो शैतान कहीं के, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये तुम्हारी बेचारी माँ की शोक सभा है या कुछ और, लेकिन तुम्हें अपने फोटोशूट के लिए आना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। फिर मैं गाड़ी में बैठा और शहर पार किया और मैंने अपनी गाड़ी के दरवाजे पर जोर से लात मारा कि उसके पेरेंट्स की जगह पर जा गिरा। ठीक है, कौन आ रहा है पहले बैट करने के लिए? मुझे कुछ खास नहीं आता, तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ही करना है। अच्छा ये आ रहा है, चलो दिखाओ दिखाओ, चलो जोरदार हिट मारना मेरे दोस्त, अच्छे से मारना मेरे भाई।
ठीक है रुको रुको, देखो जरा मेरी तरफ मारना, इस तरफ मुझे वो चॉकलेट चाहिए, करो जल्दी करो, खड़े क्यों हो, दिखा दो कितना दम है तुम्हें। कम ऑन, मेरी तरफ मारना, इधर खड़े क्यों हो, दिखा दो अपना दम। हाँ इधर इधर, कम ऑन, मेरी तरफ मेरी तरफ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम भी लो चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है भाई, यहां से 200 मील दूर है, इस रास्ते पर चले तो इसका सारा खून बह जाएगा अस्पताल पहुंचने से पहले, इसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता, ये निहायत ही घटिया आइडिया है। ठीक है भाई, ये एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो? कौन सा एटीट्यूड? हे भगवान, लेकिन दिक्कत क्या है? तुम यही रवैया दिखा रहे हो जब से हम घर से निकले हैं। तुमने टायर नहीं बदली, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने टायर बदला था, समझी? ओके, अगर इस रवैये के साथ तुम जो कुछ कहोगी कि तुम्हारे कारण मैं अपना प्लान बदल सकता हूँ, तो ठीक है, मेरा रवैया यही है और 5 महीने तक मैं बदलने वाला नहीं हूँ। ओके सुनो, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। क्या तुम इस ट्रॉपिकल पैराडाइज में फ्री में ट्रिप करने नहीं आए हो? डार्सी और उसके पार्टनर के बारे में चुगली कर रहे थे कि वो कोई। डार्सी और उसके पार्टनर के बारे में कोई चुगली की? कब? अभी यहीं पर ब्रैंडन को तुमने ये टेक्स्ट मैसेज भेजा। देखो तो तुम मेरा सही थे, मेरा फोन मत छुओ। थैंक यू इस बढ़िया अवसर के लिए, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिता पाऊंगा। और हग हफनर की वनाबीज की तरह, जिसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए बहुत से पैसे खर्च किए ताकि वो पतली दुबली ना दिख सके। तुम्हें मेरा फोन चेक नहीं करना चाहिए था, ताकि मैं दुबली पतली ना लगूं। रियली? ये मेरा निजी मामला है। जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों की विंडोज क्लीन करते हो, राइट? मैं इसीलिए किसी का विंडो साफ नहीं करता। इस विंडो क्लीनिंग बिजनेस में 50% प्रॉफिट मेरा है, ओके? देखो, कोई चमत्कार की तरह ऐसा नहीं है कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तुम्हें बस इंस्टाग्राम में शो ऑफ करना आता है और कुछ नहीं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एक भद्दी लड़की हो, दिमाग खराब करके रख दिया है तुमने मेरा, बेवकूफ लड़की। इसे ACLO सिंड्रोम कहते हैं। बहुत जल्द तुम इस टर्म को और अच्छे से समझ जाओगी। मैं समझ सकता हूं तुम भी अपनी मां और मेरी तरह इस बात को एडमिट नहीं करना चाहती हो। तुम्हें पता है जेड, तुम सही नहीं हो और तुम्हारी हालत हम दोनों से भी बदतर है। अगर ईशा कोई सुपर पावर होती तो फिर पूरी कॉमिक बुक में सिर्फ तुम्हारे बारे में ही लिखा होता। तुम एसिड की मदद लेकर अपना दर्द नहीं छुपा सकती हो और ना ही ठीक हो सकती हो इससे। मैं तुम्हें भीख मांगते हुए बहुत दूर से सुन सकता हूं। बस कीजिए पापा। पापा, पापा, मुझे क्या करना चाहिए? चूहे की गंदी आवाज की तरह है, वही परेशान करने वाला शोर करती रहती हो जब भी कोई तुम्हें धोखा दे जाता है।
तो जेड के साथ तुम्हारा कैसे चल रहा है? हाँ ये सच है, हम खुश नहीं है। भाई तुम इस रेत को इस बीच पर ले आए हो, आखिर कब सीखोगे तुम? क्या तुम मुझे अभी रिलेशनशिप एडवाइस देने वाले हो? बोलो। हाँ, कुल मिला के तुम्हें 4 शब्द याद रखने हैं, मेरी तरह बनकर रहो। देखो सच कहूं तो ये सारी चीजें मुझे उतनी पसंद नहीं है। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे ये कोई बुरी चीज हो। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम काफी रिच हो, सक्सेसफुल हो, और तुम्हारे अजीब से शौक हैं। मतलब हर रात तुम्हारे साथ एक नई लड़की होती है और कोई तुम्हें इसके लिए रोक टोक भी नहीं सकता है। तुम मेरी लाइफ के बारे में ये सोचते हो? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ कुछ हद तक है। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है और जेट भी है मेरे पास, थ्रीसम्स, ऑर्गेज, मैं भूल गया कहाँ जा रहा था मैं। ओह हाँ हाँ, मेरी लाइफ तुमसे ज्यादा अच्छी है। जेट को लगता है कि हमें मदद की जरूरत है। क्या उस पागल ने कहा? देखो, एक्स गर्लफ्रेंड जिसके लिए मुझे दुखी होना चाहिए, उसका वक्त खराब चल रहा है, वो बस मदद मांग रही है और शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा से उसकी मदद के बारे में सोचना चाहिए। ये बस वक्त की बर्बादी है। मेरा मतलब, क्या तुम्हें लगता है कि डैड को ब्लेम करके या फिर उन्हीं की तरह डॉल वर्जन के साथ कुछ करके ठीक हो सकता है? भूल जाओ इन सब बारे में, हम इस दिन के लिए लड़की से प्यार नहीं करते। देखो मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई तो नहीं हूं, लेकिन सच तो यही है, हम सब पुरुष वैश्य हैं, यकीन मानो। सुनो, तुमने कुछ गिरा दिया है, ये लो, चाहिए? ले लो। जा कहाँ रहे हो? रुकना, शायद ये तुम्हारे लिए ही बना है, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने उसे कह दिया कि यहां से निकल जाओ और वो चली जाएगी? मैं उसे कुछ भी नहीं देना चाहता हूं। ये हुई ना बात। सुनो, तुमने वहां पर कुछ देखा क्या? क्या देखा? अरे वो वहां ऊपर, वहां पर। क्या? मैंने कुछ अजीब सा देखा, पता नहीं, मतलब कुछ भयानक सा था। शायद तुम लगातार वहां देख रहे थे इसलिए तुम्हें लगा कि कोई चीज है वहां। हो सकता है। हाँ सच में। ठीक है, तो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि तुम नीचे जाकर स्विमिंग कर सकते हो। अरे बोलो, चुप क्यों? माइक, शायद तुम्हें पता नहीं मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है। मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। मैं ट्राई करूंगा और मजे करूंगा, लेकिन अगले साल हम स्कीइंग कर रहे हैं। ना, हम स्कीइंग नहीं कर रहे। तुम्हें स्कीइंग करना पसंद नहीं है क्या? हम ये पहले भी कर चुके हो के? और मुझे स्नो पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता मेरा कोई भी फॉलोअर मुझे स्कीइंग सूट में देखना चाहेगा। सो, नहीं कर रहे। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड की इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की खुशी के लिए यहाँ छुट्टियां बिताने नहीं आए हो माइक? मैं इसीलिए आया हूँ, और मेरे लिए कुछ भी ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि कुछ फैट लूजर्स को लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सेक्सी है। ओके, तुम्हें पता है क्या, अगर ये तुम्हारा ह्यूमर है तो तुम अभी के अभी घर वापस जाने के लिए टिकट बुक करा लो, क्योंकि यहाँ पर हंसने के लिए कोई भी नहीं है। हे, कहाँ जा रहे हो तुम? वो क्या है कि कार में कुछ भूल आया हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं अंदर जा रही हूँ। जरूर। Thank you.
सब ठीक हो जाएगा। और यही बात तुमने 9 साल पहले खुद से भी कही थी। सब ठीक है, ये सिर्फ ड्रग्स का असर है। तुम ठीक नहीं हो, ड्रग्स के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करने की जरूरत है, फिर बेहतर लगेगा। हाँ, सही कहा। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ये वाकई में असली है जेड, ये सचमुच असली है जेड, ये सचमुच असली है। Hello.
हमें बस ये सोचना है कि वो कॉल कभी आया ही नहीं था। फालतू के अमेरिकन्स, मैं उन्हें होस्ट के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ एक हवेली तैयार करनी है। यह सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सब हमारे बीच आखिरी बार है। आखिरी बार के लिए क्या था? यही जो हमारे बीच हुआ ये दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। क्या मतलब, मैं इसके लायक नहीं हूँ क्या? ये सब गलत है। अच्छा ठीक है, हम ये दोबारा करने वाले हैं, ठीक है? बढ़िया, सही लग रहा है। जरा देखो अपने ये लंबे लहराते बाल, इससे नेचुरल हवा भी पास हो सकती है। बहुत खूब बहुत खूब, ऐसे हंसते रहो, कीप इट अप, ऐसे ही खड़ी रहो, हंसो। ओह पापी, तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हें पता है ये सब चाहिए होता है। हे डासी, स्पैनिश में सिर्फ आई लव यू कैसे कहते हैं? सो यू ग्रैंड कैरिको। सो यू ग्रैंड कैरिको। तुमने अभी अपने आप को सुअर कहा। ये सुनकर लड़कियों की आईब्रो ऊपर हो जाती है ना हैरी? हाँ, मुझे भी लगता है। लेडीज। हाँ तो लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो? पता है मेरे छोटे भाई टॉबी ने उसकी गर्लफ्रेंड के मुंह पर उसे कह दिया कि चले जाओ यहाँ से, मेरा मतलब सच में निकल जाओ यहाँ से, पैदल एयरपोर्ट चली जाओ। उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पता है मेरी मॉम मजाक क्या करती थी तो पिताजी उन्हें मंद बुद्धि कहते थे, क्योंकि वो उन्हें 50 के दशक में मिली थी। ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा, मेरा यकीन करो। तुम्हारे लिए अच्छा है, सच में तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। ये कंपनी थोड़ा फ्रेश ब्लड इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस हैरिसन के बारे में क्या ख्याल है? हम इसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहे थे। हाँ, तुम अपने चेहरे से वो मुस्कान हटाना चाहते हो ना पाल? ओके, माजी करनी है। हाँ, ये आइडिया सही है ब्रो, मुझे पसंद आया। तुम पर अफसोस होता है, वो तुम्हें किसी कचरे की तरह ट्रीट कर रहा है और चीट कर रहा है, और ये सबको पता है। वो सिर्फ एक किस थी और मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ लेकिन तुम्हें फर्क पड़ रहा है, इसी के बारे में तुम सोच रही हो, यही तुम्हारे खून में है। और हमारे परिवार में हर एक सदस्य की साइकेट्रिस्ट रिपोर्ट है, एक अच्छा डॉक्टर इसे क्या कहता है। ओ हाँ, मॉर्बिडली डिस्ट्रेस्डफुल। आप अपनी कमियां गिनाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह जैसे भी हो शायद तुम्हें कुछ मदद मिल जाए। तुमने टोबी को कहीं देखा? टोबी 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 टोबी। हाँ वो कूल लड़का है, इतना भी नहीं है कि तुम्हारे एयरपोर्ट जाने तक का पैसा उधार दे सके। वैसे भी तुम लोग हमारे साथ यहाँ काफी खुश हो। इससे अच्छा मैं यहाँ से पैदल ही चली जाऊँ, फिर चाहे कोई गाड़ी मुझे क्यों ना उड़ा दे, पर
थैंक यू सो मच इस ऑफर के लिए। ओके मुचाचोस, तुम में से कौन शहर के बार में चलकर मस्ती करना चाहता है? मुझे लगता है इन लड़कियों के साथ मुझे थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। डार्सी, हैरिसन, वामनोस, चलो चलते हैं अभी। चलो मजे करते हैं। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारा मतलब है कीपर्स को ढूंढने के लिए नियम बनाने होंगे? इसका मतलब है अब नए नियम की जरूरत पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आता, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं चुना? मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। हाँ मैं जानता हूं, तुम्हारी बहन शायद तुमसे कम सेक्सी है। तुम बेवकूफ हो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। देखो मैं तुम्हें ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। नहीं भाई, देखो ये एक बेसिक कर्टसी है, राइट? मेरा मतलब कौन उन सबको सबसे पहले लाया था? मैंने तुम्हारा मतलब कीपर्स को ढूंढने के लिए अभी कुछ नियम बनाने की चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ सुनो, इस केस में मुझे सारी सुंदर लड़कियां ही चाहिए। ओके प्लीज दोबारा से वो सब शुरू मत कर देना। अगर ईर्ष्या कोई सुपर पावर होती तो पूरी कॉमिक बुक में सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखा होता। तुम्हें लगता कि मैं घटिया इंसान हूं? ये तुम्हारे दिमाग का एक वहम है। हाँ वो कूल लड़का है, इतना भी नहीं है कि तुम्हारे एयरपोर्ट जाने तक का पैसा उधार दे सके। जेड, तुम जैसा बिहेव कर रही हो ना, इसे जेलस साइको बोलते हैं। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। सही में भाई, वैस के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? उसके पास काफी अनुभव है और 80 पाउंड के मसल्स भी हैं। हाँ तुमने सही कहा, अगर तुम ऐसे ही बात करते रहे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ ठीक है। हाय। हे रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ, हम पहले मिल चुके हैं शायद। तुम टॉबी हंटर की गर्लफ्रेंड हो ना? थी, अब वो तानिया का बॉयफ्रेंड है। पता नहीं था, शायद यहाँ ब्रेकअप होना कोई आम बात है। कहाँ जा रही हो तुम? एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। रुको, तुम क्या सच में? हाँ। तुम्हें पता है ना एयरपोर्ट यहाँ से 400 माइल्स की दूरी पर है। हाँ। फेरी यहां से 8 बजे के पहले नहीं जाएगी। जानती हूं। रुको एक मिनट। ए रुको, हेलो रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हम सुबह की फेरी से चलेंगे, लेकिन अभी तुम हवेली पे चलो मेरे साथ। देखो मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। Come on, सच में अच्छा लगा कि तुम मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम तानिया के साथ पैचअप करने की कोशिश करो मेरे साथ आने के बजाय। Enjoy. क्या हुआ है तुम्हें? तुम रास्ते में खुद गाड़ी से टकरा गई या एक्सीडेंट हुआ है? तुम अपने आप को चबाती हो, मतलब अपने पैरों के नाखून को? ये सब भी ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। ये बहुत ही घटिया बात है। ये बहुत ही शानदार है। हे भगवान, हम तो गए। हे भगवान। हे ना, क्यूट बंदर है ये। बिल्कुल सही कहा। इसकी हरकतें तो देखो, ये बिल्कुल हमारे सामने है। मुझे चाहिए
देखो, चलो आगे। जरा संभल के, ये हमारे पास आते जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा है, चलो इसे खाना खिलाते हैं। बहुत ही क्यूट है ना ये, बड़ा मजा आ रहा है। तुम सब बहुत बढ़िया दिख रहे हो। क्या कर रहा है यार, छोड़ इसे। फिल्म बना रहा हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है, कैमरा शाही हो या कुछ और बात है? जैसे कि रूसवेल्ट ने एक बार कहा था। ओ बंद कर अपनी ये बकवास बातें। मुझ पर कुछ मत फेंको डूड, बस एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो, ठीक है? फ्रैंकलिन रूसवेल्ट ने एक बार कहा था, इस खूबसूरत दुनिया में एक खूबसूरत जिंदगी है क्षितिज के उस पार। और अब हम तीनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, और आज के दिन हम क्षितिज का विस्तार करना बंद नहीं करेंगे, और मुझे हम पे बहुत गर्व हो रहा है। और मैं इस पल को अमर करना चाहता हूँ, इसलिए चुप रहो। आखिर तुम अच्छी बातें भी कर सकते हो, मुझे भी तुम पर गर्व है, मुझे हम सब पे गर्व है। लेकिन हम हैरी के शर्ट का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, सही कहा तुमने, मुझे लगा कि मैं ही पक रहा हूँ इसकी बातों से। हाँ, ये बातें हम पर भी लागू है। वाह, तुम सब ये करने के लिए अब तक का इंतजार कर रहे थे, है ना? इसमें और ज्यादा छेद करने की जरूरत है। ब्रो, इसमें पहले से ही बहुत सारे छेद है भाई, वरना देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे किसने गोली मार दी है। ओ देखो इसको। वाह, तुम लोग बहुत ही मजाकिया हो। अपनी पैंट भी उतार दो। हाँ, बहुत गर्मी है। वहां से नीचे उतरो, फिर बोले ये बात। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। आखिर वो क्या था? दोस्तों, कम ऑन, चलो चलो चलते हैं, आज काफी मेहनत होगी, ठीक है? गाइस चलो भी। तुम्हें यह पता करना होता है कि मैं कहां पर हूं, किसके साथ हूं, उससे क्या बात कर रहा हूं। तुम जैसा बिहेव करती हो ना, इसे एक जेलस साइको बोलते हैं। अगर ईर्ष्या कोई सुपर पावर होती तो पूरी कॉमिक बुक में सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखा होता। मम्मी, मैं समझ गया, तुम्हारा बचपन अच्छा नहीं था। अब तुम अपने आप को एक यंग एडल्ट कह सकती हो। मम्मी, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर वक्त मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी पड़ती है। तुम कैसे दूसरों पर बेवजह इल्जाम लगा सकती हो? ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हैं, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है कि मैं एक घटिया आदमी हूँ। आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। अपने वहम से बाहर निकलो। आई लव यू डैडी। दीदी, सुनो जेड, यहाँ से तुम पैदल एयरपोर्ट जाओ। हे गाइस, बहुत देर हो गई है, चलो चले। हम यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं यारों। जेड, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है।
काफी मस्त लग रही है ना वो। देख रही है, देख रही है। भाई मतलब ये तीसरी बार, वो भी 3 घंटे के अंदर। हाँ, हमारे पास अभी पूरी रात बाकी है। मैं तो और रिक्रूट करवाने वाले मोड पे हूँ। शैतानों के लिए कोई आराम नहीं, समझ गए। बहुत ही बेहुदा लड़की हो जेड, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। जब तुम 12 साल की थी तो मैंने तुम्हें नहीं अपनाया था। तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखकर मुझे उल्टी करने का मन करता है। हाय। हे। मैं तुम्हें जानता हूँ, हम पहले मिल चुके हैं शायद। तुम टॉबी हंटर की गर्लफ्रेंड हो ना? मेरे ख्याल से मेरी ये जिंदगी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। मुझे काम करना पसंद है और मुझे घूमना पसंद है, नई नई चीजें भी देखना पसंद है। कहाँ काम करते हो? मैं विंडो वॉशिंग बिजनेस में एक पार्टनर की तरह काम करता हूँ। मैंने उसे उस बुजुर्ग आदमी से खरीदा था जिसके लिए मैं और मेरे पार्टनर साथ में काम किया करते थे। अच्छा है। सच में? थैंक यू। हाँ, तुम अपने खुद के बॉस हो। एग्जैक्टली। हम सब यही तो चाहते हैं। तानिया के हिसाब से मैं बहुत कमजोर हूँ। उनके लिए काम करती है जो उसे बताते हैं कि क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो तुम्हें मॉडल्स पसंद नहीं है? मेरे फेवरेट टॉप 10 की लिस्ट में तो नहीं आती। माइक, वैसे तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बता सकती हो? मुझे लगता है कि मैंने अपने पापा का खून किया है और अब वो मुझे डरा रहे हैं। सच में? हाँ। क्यों? सॉरी। बहुत पहले की बात है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। मैं तब एक बच्ची थी। इतना काफी है? हाँ। तुम जानना चाहती हो मैं क्या सोच रहा हूँ? बताओ। तुम्हें अपने आप को माफ करने का तरीका ढूंढना चाहिए। तुम एक छोटी बच्ची थी जब यह सब कुछ हुआ था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम सच में विंडो वॉशिंग का बिजनेस करते हो? यस। लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, जो भी आपकी जिंदगी में आते और जाते रहते हैं, चाहे वो विंडो वॉशर ही क्यों ना हो। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा, हाँ शायद, लेकिन ये एक अच्छी लाइन थी ना? हाँ, लाइन तो अच्छी है। दोस्तों, हम यहाँ मजे लेने आए हैं। ये बहुत बढ़िया है। पीटर पैन की तरह यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। नीचे उतरो, फिर जो कहना है कहो। हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। दोस्तों, कम ऑन, चलो अब, चलो यहां से, बहुत मेहनत हो गई, राइट? हे गाइस, हम काफी दूर आ चुके हैं, अब चलो। हैरिसन, हैरिसन, हैरी,
देखो हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। सब खत्म हो गया जेड, सब कुछ वैसे हुआ जैसा तुम चाहती थी। तुम मरना चाहती हो ना? चलो पुलिस को कॉल करते हैं। सच में? फिर से? हम पुलिस को कॉल नहीं करने वाले हैं। और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सच में? तुम्हें और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हें क्या लगता है कैसा होने वाला है? पुलिस आएंगे सिर्फ शो ऑफ करने के लिए? वो बस थोड़े काम के लिए $1 million चार्ज करेंगे हमसे, फिर क्या? हम उनके साथ हाई फाइव करेंगे और बात करने के बाद वो हमारी मदद के लिए हैरिसन को ढूंढने निकलेंगे? तुम्हारे हिसाब से हम क्या करें? उसे ढूंढना बंद करते हैं, उसके लौटने का इंतजार करें? हाँ। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, यह कैक्टस तुम्हारे पिछवाड़े घुसा देना चाहिए। I
आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? ये क्या है आखिर? हाँ तो लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो? पता है मेरे छोटे भाई टॉबी ने उसकी गर्लफ्रेंड के मुंह पर उसे कह दिया कि चले जाओ यहाँ से, मेरा मतलब सच में निकल जाओ यहाँ से, पैदल एयरपोर्ट चली जाओ। उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पता है मेरी मॉम मजाक क्या करती थी तो पिताजी उन्हें मंद बुद्धि कहते थे क्योंकि वो उन्हें 50 के दशक में मिली थी। ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा, मेरा यकीन करो। किसी ने टोबी को देखा? टोबी 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 टोबी, हाँ वो कूल लड़का है लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारे एयरपोर्ट जाने तक का पैसा उधार दे सके। वैसे भी तुम लोग हमारे साथ यहाँ काफी खुश हो, इससे अच्छा मैं यहाँ से पैदल ही चली जाऊं, फिर चाहे कोई गाड़ी मुझे उड़ा क्यों ना दे। पर थैंक यू सो मच इस ऑफर के लिए। ओके मुचाचोस, तुम इसे कौन शहर के बार में चलकर मस्ती करना चाहता है? मुझे लगता है इन लड़कियों के साथ मुझे थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए। ओ, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। Ha 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 ha
छोड़ो मुझे
आओ कुछ बात करें। अभी नहीं हावर्ड। तुम मुझे पापा कहकर पुकारो, हावर्ड नहीं। और हाँ, अभी जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या आप मुझसे यही चाहते हैं? हाँ। मैं आपकी बेटी हूँ, ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? रखता था, पर अब नहीं। मैंने रोना छोड़ दिया है, अब तुम्हें पता चलेगा कि खुद पर बीती है तो कैसा महसूस होता है। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया जे, वो तुम्हें जख्मी करना चाहते और हम सब तुम्हें मरते हुए देखना चाहते हैं। कभी माफी नहीं मांगी, तुम मुझे बचा सकती थी। मैं 12 साल की थी। तुम्हें अच्छे से पता था वो क्या कर रही थी? नहीं पता था, और अगर पता भी होता तो मैं क्या कर सकती थी? भागो जेड। फिर उसने वो दरवाजा बंद कर दिया था। तुम्हें तब कुछ बोलना चाहिए था। मां, मां, आपने गैराज का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इंजन अभी भी ऑन है, ऐसे तो पापा मर जाएंगे।
सच ये है, मुझे पहले से पता था कि वो ये सब जानबूझकर कर रही थी। तुम उस वक्त कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम बहुत कमजोर थी, और आज देखो तुम अब भी जिंदा हो। तुम मरने वाली हो जेड, बिल्कुल मेरी तरह, हर हाल में। तुमसे नफरत करता हूं, मुझे तुम पर अफसोस है। ये तुम्हारे खून में है,
जब तुम 12 साल की थी तब मैंने तुम्हें नहीं अपनाया था। तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखकर मुझे उल्टी करने का मन करता है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक बार रिलेशनशिप एडवाइस मांगी थी कि किसी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। 3 तरह के लोगों से मैं नफरत करती हूँ, झूठे, धोखेबाज और रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स जो हर बात बोलने से पहले ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। पर अब मैं सेफ हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं किसी को भी एडवाइस देने के लायक हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मुझे बस 2 ही बातें कहनी है जो दरअसल मैंने किसी ऐसे लड़के से सीखा जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता था। पहली बात ये कि हम हर किसी से कुछ सीख सकते हैं, जो भी हमारे सफर में हमें मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी से। और दूसरी बात ये कि कभी कभी हमारे पास ऑप्शन नहीं होता और हमें उस परेशान करने वाले बॉयफ्रेंड या भूत से छुटकारा पाने के लिए जो ठीक लगे वो कर लेना चाहिए, चाहे सही हो या गलत, और उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए।